दोस्तों, जब हम मार्केट से गैस चूल्हा खरीदते हैं तो वो कुछ इस तरीके से चमचमाता हुआ रहता है। अभी आप देख सकते हैं, ये हमारा भी गैस चूल्हा कुछ इसी तरीके से चमचमा रहा है, यानी कि चमक रहा है। इससे यही पता चलता है कि ये गैस चूल्हा एकदम नया है। नया रहने पर बहुत ही ज्यादा चमकता है, शाइन रहती है चूल्हे में। लेकिन जैसे जैसे इस चूल्हे को यूज किया जाएगा, वैसे वैसे ये थोड़ा डिम होता जाएगा, यानी कि इस पर थोड़े बहुत दाग होते जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से इसे क्लीन कीजिए और अच्छे से गैस चूल्हे को साफ करेंगे, तब आपका गैस चूल्हा एकदम चमचमाता हुआ रहेगा। आज हम आपको टिप्स देंगे, इस टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका गैस चूल्हा कभी गंदा नहीं होगा, एकदम साफ रहेगा। कोई भी देखेगा बोलेगा, अरे भाई, इतना साफ गैस चूल्हा कैसे रखती हो आप। तो चलिए, हम आज आपको टिप्स देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह टिप्स बताएंगे कि गैस चूल्हे को चमचमाता हुआ हमेशा के लिए कैसे बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए यह टिप्स बहुत ही काम का होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं, यह इस तरीके से हम गैस चूल्हे को जलाते हैं। कभी कभी गलती हमसे क्या होती है कि हम चूल्हा इधर से जलाए, ऐसे जला दिए, और उसके बाद नीचे से हम बंद कर दिए। कोई चीज रखे हुए हैं, ऊपर से नहीं बंद किए, नीचे से बंद कर दिए, और इसे बंद करना भूल गए। तब क्या करते हैं, दोबारा से जब हम नीचे से गैस जला देते हैं, मान लो ये दूसरे वाले गैस का काम है, तो हम इसे जला लेंगे और ये वाला ऐसे खुला ही रहेगा। गैस तो इसमें पास होता ही रहेगा, आप चाहे जलाएं या फिर ना जलाएं, इससे आपकी गैस बहुत ही ज्यादा बर्बाद होगी। तो दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिए। जब भी आप बंद कीजिए, पहले नीचे से बंद करिए, फिर ऊपर से बटन भी बंद कर दीजिए, तब आपकी गैस की बचत होगी। और चलिए देखते हैं कि इसे साफ कैसे रखना है। जब हम रात में पोछा लगा लेते हैं, यानी कि गैस को साफ कर लेते हैं, अच्छे से पोछ लेते हैं, एक बार हम सूती कपड़े को यानी कि पोछे को भिगो करके गैस को पोंछते हैं, फिर उसके बाद सूखा कपड़ा एक लीजिए सूती वाला, उससे गैस को साफ कर दीजिए। इससे आपका गैस चूल्हा कभी जल्दी गंदा नहीं होगा। इसके अलावा हम टिप्स बता रहे हैं जिसे उपयोग करके आप अपने गैस चूल्हे को एकदम आसानी से क्लीन कर पाएंगे। तो दोस्तों, रात को जब आप गैस चूल्हे को पोंछ लीजिए, यानी कि साफ कर लीजिए, किचन का सारा काम खत्म हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या है, इस चूल्हे को हटा करके कहीं दूसरी जगह रख दीजिए। उसके बाद आप लीजिए ये वैसलीन। वैसलीन आपके घर में, अभी ठंडी का सीजन आ रहा है तो सभी के घरों में होता है, ये देखिए, इस वैसलीन को आप हाथों में लगाइए और थोड़ा थोड़ा करके दो तीन जगह ऐसे, मतलब पूरे गैस में थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा दीजिए दोनों तरफ। और उसके बाद आप कीजिए क्या कि एक सूती कपड़ा लीजिए सूखा, या फिर आपके पास अगर रुई हो तो रुई लीजिए। इस रुई की मदद से पूरे गैस में इसे फैला दीजिए अच्छे से। हम इसी तरीके से अपने गैस चूल्हे को एकदम नए जैसा रखते हैं। अभी एक चूल्हा अभी पुराना वाला था, उसे हम आपको दिखाएंगे, उसे आप देख करके मानेंगे ही नहीं कि वो पुराना है। वो काफी पुराना हो चुका है। जब वो, मतलब कि जब गैस शुरुआत में चली थी, तब का वो गैस चूल्हा है। अभी तक हम उसी पर भोजन बना रहे थे, लेकिन अब वो एकदम डिम चलने लगी, यानी कि एकदम धीमा हो गया, तो इसलिए वो अभी रख दिया गया है। अब मार्केट जाएंगे तब उसे बनवाएंगे, तब फिर से वो यूज करने लायक हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप चूल्हे पर ऐसे लगा दीजिए वैसलीन को। तो ये हमने पूरे चूल्हे पर वैसलीन को लगा दिया, और उसके बाद इसे ऐसे छोड़ दीजिए रात भर के लिए। ये काम आप रात में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रात में ये फ्री रहेगा गैस, और दिन में अगर आप कर रहे हैं उसके बाद जलाएंगे तो ये, मतलब, पकड़ सकता है, यानी कि गैस चूल्हा पकड़ सकता है, आग भी लग सकती है। इसलिए आप सावधान रहिए कि इसे जब भी लगाएं रात में लगाएं, जिससे रात भर ये ऐसे छूटा रहे, और सुबह जब काम करना हो तो इसे सूखे कपड़े से ऐसे साफ कर लीजिए। इसमें जो वैसलीन लगी हुई है, ये अब्जॉर्ब कर लेगा गैस चूल्हा, सुबह आपको एकदम सूखा सूखा दिखेगा, ये वैसलीन का थोड़ा सा भी दाग धब्बा नहीं दिखेगा।
इसलिए आप ये काम रात में ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से आप अपने गैस चूल्हे को एकदम नए जैसा चमचमाता हुआ बना सकते हैं। तो दोस्तों, और क्या गलती हमसे होती है, कभी कभी होता है कि सिलेंडर हम नीचे से रेगुलेटर बंद किए और ऊपर से हम जलाए हुए हैं, लेकिन फिर भी गैस जलता रहता है। चाहे जितनी देर तक आपको काम करना हो आप काम करते रहिए, तो इसमें क्या कमी हो सकती है। हमें तो लगता है कि रेगुलेटर में ही कमी होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस चीज में कमी होती है जिसके कारण से ऐसा होता है, क्योंकि हमारे साथ कई घटनाएं इस तरीके से घट चुकी हैं। अभी पिछला वाला सिलेंडर जब था तो वो भी हम नीचे से बंद कर देते थे, ऊपर से हम 2-3 घंटे तक गैस पर काम करते थे, यानी कि खाना पीना सारा चीज करते थे, लेकिन बंद एक बार भी नहीं होता था। तो दोस्तों, इस टिप्स द्वारा आप अपने गैस को सुरक्षित रख सकते हैं, एकदम क्लीन रख सकते हैं, नए जैसा चमकता हुआ रख सकते हैं। यह टिप्स आपके लिए बहुत काम का है। इस टिप्स को आप जरूर फॉलो कीजिए और फॉलो करने के बाद अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज का यह टिप्स आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आपको कितना अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आप कहाँ से वीडियो को विजिट कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए, जिससे हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो देश के किस कोनों में देखा जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।